हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आपका ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मैथ का सब्जेक्ट करवाने जा रही हूँ, जो कि आप पिछली कक्षा LKG में पूरा सिलेबस कर चुके हो। एक बार वो मैं रिपीट करने के लिए जा रही हूँ। एड ऑफ मल्टी, ये है एड ऑफ वन डिजिट, ये एड ऑफ वन डिजिट है। अब देखो बच्चों, ये कितना है 5, और ये है 3, और 5 और 3 की तुम्हें पहचान है, ये है ऐड का निशान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कितना है 5, तो 5 स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3। पहले 5 लाइनें लगाई, फिर 3 लाइनें लगाई, उसके बाद हम इक्वल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 7 6 5 6 7 8। कितना हो गया 8, तो हमारा आंसर हो गया, पहले 5 स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद दूसरा सम 4, ये है 4, ये है 2, ये निशान है ऐड का, प्लस का निशान है, प्लस के निशान में हम जोड़ते हैं। पहले कितनी स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, 4, 1 2 3 4, उसके बाद 2, फिर इक्वल सभी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितनी आ गई 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। उसके बाद अगला डिजिट, पहले हम लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 2, ये है निशान प्लस का। पहले हम स्टैंडिंग 7 लाइनें लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, इक्वल गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 लाइनें हो गई। अब इसके बाद 2 लगाएंगे, 1 2 2 लाइनें लगाने के बाद हम पूरी इक्वल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर आ गया 9। अब इक्वल 9 आ गया इसका आंसर। इसके बाद हम करेंगे 6, ये है 6 और ये है 4, ये निशान है प्लस का, प्लस के निशान में जोड़ते हैं। जैसे पहले 6 है, तो 6 स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमारा 4 है, तो 4 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर हम इक्वल सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया 10, 10 आंसर आ गया। इसके बाद जिन जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, वो बुक्स खरीदें, और बुक्स में पूरा काम दिया जाएगा, और काम व्हाट्सएप पे चेक भी किया जाएगा, और काम अपनी मम्मी या पापा के पास बैठकर बहुत सुंदर सुंदर करना है। आपको होमवर्क लिख कर दे रही हूँ, जो मम्मी और पापा के पास बैठ के बड़े आराम से और सुंदर सुंदर करना है। ये डिजिट हैं, वो जो जैसे ही मैंने समझाए हैं, पहले 5 है, फिर 3 है, स्टैंडिंग लाइन लगा के ये करना है, और उसके बाद ये 4 है, ये 2 है, इसमें पहले 4 स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर 2 लगानी है, फिर इसको करना है। उसके बाद ये 7 है और ये 3 है, प्लस का निशान है, पहले 7 लाइन स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर 3 लगानी है, इक्वल गिन के इसका आंसर निकालना है। उसके बाद 3 है, 2 है, 3 स्टैंडिंग लाइन लगानी है, फिर 2 लगानी है, और इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। जो मैंने आज होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर दिया है, ये सुंदर सुंदर मम्मी के पास बैठ के अक्षरों की पहचान करके करना है, और ये आपको होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और सुंदर सुंदर करने के बाद मैं इसको चेक करूँगी।